हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और पता है, अभी शाम के साथ नहीं सॉरी 7:45 हो रहे हैं और मैं अब अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब मैंने आप लोगों को ना आज सुबह ही बताया था, वो आज ही मैंने वीडियो शूट की थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सो आप लोगों को मेरे चेहरे से ही पता पड़ जाएगा कि तबीयत ठीक नहीं है। आंखें एकदम लाल लाल हो रही है, देखो लाल, और आंखों के नीचे डार्क सर्कल देखो कितने ज्यादा दिख रहे हैं। ये रात को जगने और फोन पे ज्यादा काम करने की वजह से हुआ है। बहुत ज्यादा डार्क सर्कल हो रहे हैं और पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। और पता है, पूरे घर की हालत खराब हो गई। जय बीमार हुए, जय घर में बीमारी लेकर आए, सब धीरे धीरे करके बीमार हो रहे हैं। और है ना, अभी कोई नहीं है घर में, आरू मोलू कोई नहीं है और मैं अकेली हूं। जय गए हैं आगरा और वो आएंगे, उसके बाद कुछ होगा। खाना आज बनेगा नहीं, क्योंकि सुबह के छोले चावल सब रखे हैं, रोटी बना दूंगी केवल। तो मैं सोच रही थी कि चलो तबीयत तो जैसी है वैसी है, मैं आप लोगों के साथ है ना भाकरवाड़ी की रेसिपी शेयर कर दूं। ऐसे खड़ी होती हूँ ना तो बम पे इंजेक्शन लगा है, मुझे दर्द होता है। तो भाकरवाड़ी की रेसिपी शेयर कर दूं, उसमें ज्यादा कुछ नहीं लगता, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन सर ना मुझे कल भी बहुत कमेंट आए, आज भी बहुत कमेंट आए, तो मैंने कहा चलो मैं बना ही देती हूँ। अब खाना नहीं बनाना है ना, तो चलो इस टाइम पे ये काम हो जाएगा। अगर खाना बनाना होता ना तो मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि मेरी खुद की हिम्मत नहीं है। हाथ पैर यानी पूरी बॉडी मेरी दर्द कर रही है, और इसका एक वही रीजन है कि बीमारी शरीर में घर कर रही है। लेकिन अगर मैं बीमारी लेके बैठ गई ना तो मैं सच में बीमार हो जाऊंगी, काम करती रहूंगी ना तो शायद नहीं होंगी। तो चलिए मैं ना आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करती हूँ, तब तक शायद आरू मोलू और जय ये लोग आ जाए। आरू मोलू तो अपने बाबा के साथ गए हैं, और तब तक शायद जय भी आ जाए। देखो तब तक मैं ऐसा करती हूँ, जो भी चीजें हैं ना रेसिपी की वो सारी निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर है ना मैं भूल जाऊंगी कुछ ना कुछ। अगर आपकी तबीयत सही हो ना तब तो आपको चीजें याद रहती है, और अगर तबीयत खराब हो गई तो एक आध चीज तो गड़बड़ हो ही जाती है, डेफिनेटली हो जाती है। जय आ गए, आ गए। यस, तो जय ही आए हैं, लेकिन बाहर अंधेरा है, लाइट नहीं आ रही। और मैं क्या कर रही हूँ, दुपट्टा ले लिया है और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, यानी हमारे पाठक जी के वहां पर मुझे लेके जा रहे हैं। बोलते हैं रेसिपी वगैरह बाढ़ में गई तो चल, ज्यादा बीमार हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ और आके आप लोगों से मिलती हूँ। लॉक लगा दूं। आरू के कितनी है? 97। आरू तो बिल्कुल सही है, क्यों बीमार होने का शौक मना रही है? मेरा मोलू बीमार हो गया है। ये है हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कम देवर ज्यादा। मोलू की देखो ले, हॉस्पिटल में आके कौन खेलता है, मेरे बच्चे खेल रहे हैं। सही हो गया मोलू, सही हो गया? चला लेती हूँ बुआ, थोड़ी थोड़ी चला लेती हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी गाड़ी चला लेती हूँ। पैसे सिखाने ही नहीं जा पा रहे हैं, बीमार हो गए ये। देख बुआ तो मेरी वीडियो आएंगी हो, है ना बुआ? डांट देंगे तो क्या? हाँ मेरे बुआ क्या बुरी लगती है। देखो बढ़िया तरीके से आएंगी छोटू भैया के संग। हे मोलू पीछे बैठ गया, मोलू हाथ चेक करें बेटा, इसको तो है अभी बुखार। दवाई तो लेने चलूं? दवाई ले रहे हैं बेटा। पता है मेरी तबीयत खराब हुई मोलू की सुन के, मेरा तो एकदम से जो बुखार हरारत सी हो रही थी ना, आंखें लाल लाल हो रही थी, सब चला गया टेंशन की वजह से कि अरे मोलू को हो गया। क्योंकि है ना अगर मैं डल गई तो फिर इसको कौन देखेगा, इसलिए भैया मुझे नहीं डलना है। मुझे बस टूटन हो रही है शरीर में, तो उसकी दवाई दे दी है छोटे भैया ने। जा रहे हैं दवाई लेने, फिर सीधे जाएंगे घर। कहा मैं रेसिपी शेयर करने जा रही थी, बनाने जा रही थी, कहा मुझे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे, तो मास्क लगा के रखना पड़ेगा अब तो है ना। ये शुक्र है कि है ना हमको है ना भागना नहीं पड़ता है, हमारे घर के डॉक्टर हैं, जब चाहे तब चले जाओ उनके घर पे। खाना खाने जा रहे थे वो, मैंने कहा भैया हम लोग हैं, फिर आ गए, यानी हमारे घर जैसे ही हैं, बिल्कुल घर जैसे ही हैं। तो यहाँ पर जो है ना अभी ले रहे हैं मेडिकल से दवाई, और दवाई लेने के बाद हम लोग सीधे घर चले जाएंगे। और घर जाकर फिर है ना मैं हाथ मुंह धोकर डायरेक्ट आप लोगों से रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, 1/2 कप यहाँ पर मैंने लिया है बेसन का आटा, तो यानी बेसन लिया है, चने का आटा। अगर आप ये दोनों चीज़ ना लेना चाहें तो आप मैदा भी ले सकते हैं, क्योंकि भाकरवाड़ी है ना वो मैदा से ही बनती है,
लेकिन मैं इस तरह से बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने डाले हैं 3 चम्मच जो मोयन होता है ना, वो डाला है। उससे क्या है कि भाकरवाड़ी एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि आटे में नमक डालना बहुत ज़रूरी है। और नमक और तेल डालने के बाद है ना, आपको इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और देखना है कि तेल इक्वल है या नहीं, क्योंकि तेल हमें इतना चाहिए कि जैसे हम मुट्ठी से आटे को माड़े ना तो उसकी एक गोली बन जानी चाहिए, लेकिन अभी गोली नहीं बन रही है। मैंने आपको करके भी दिखाया, तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 टोटल 3 यानी 6 चम्मच तेल डाल चुकी हूँ मैं। 7 हो गया, 8 9 यानी जो हमें खाने वाली चम्मच होती है ना, वो मैंने यहाँ पर 9 चम्मच तेल डाला है। तो इसका मतलब है आपको है ना कितना लेना है, पौना कप नहीं, यही मान लीजिए आप 5 चम्मच भर के तेल डाल देना है मोयन के लिए। तो यहाँ पर आपका जो आटा है ना, देखो इस तरह से गोली बनने लगे ना जब, तो समझ लीजिए कि आपके आटे में मोयन है ना बिल्कुल फिक्स और बराबर डला हुआ है। तो यहाँ पर है ना मेरा आटा अच्छे से हो चुका है, यानी तेल वगैरह सब मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, जैसे हम पराठे का आटा लगाते हैं ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है, जैसे कि हम पूड़ी का या पराठे का लगाते हैं ना, पूड़ी से थोड़ा सा नरम और पराठे जैसा आटा होता है ना, बस वैसा ही आटा हमको लगा लेना है। और इसके बाद है ना फिर हम मसाले की तैयारी करेंगे। तो आटा लगा के 10 मिनट रख देंगे, जब तक हम मसाला वगैरह बनाएंगे तब तक हमारा जो आटा है ना वो भी सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आटा लग चुका है, तो यहाँ पर ऐसा करेंगे थोड़ा सा तेल ऊपर से लगा देंगे ताकि इसमें पपड़ी वगैरह ना पड़े और आटा एकदम है ना सॉफ्ट भी बना रहे। तो इसको ढक के हम रख देंगे साइड में और उसके बाद करेंगे मसालों की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने पैन लिया है, इसके अंदर मैंने 1.5 कप लिए हैं साबुत धनिया और 1 चम्मच साबुत धनिया, 1.5 चम्मच यहाँ पे सौंफ लिए यानी वरियाली, और 1.5 चम्मच मैंने लिया है जीरा पाउडर। अगर आपके पास भुना हुआ हो तो आप भुना हुआ डाल देना बाद में, मेरे पास नहीं था ना तो मैंने इसी तरह से भून लिए। और उसके बाद यहाँ पे 1.5 चम्मच मैंने लिए हैं तिल, जो तिल आते हैं ना खाने वाले जिनसे हम लड्डू बनाते हैं वो वाले तिल लेने। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है और उसके बाद है ना जब वो आधी भुन जाए ना, तो यहाँ पे आपको लेना है 1.5 चम्मच नारियल का बुरादा जो होता है ना वो लेना है। इसको भी अच्छी तरह से आपको भून लेना है बिल्कुल ब्राउन कलर होने तक। सारे मसालों को मीडियम आँच में भून लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे मसाले मेरे अच्छे से भून चुके हैं। तो इनको ना अब हम डाल देंगे मिक्सी के जार में, और ये गरम गरम ही मैंने डाल दिए थे, आप चाहें तो 5-10 मिनट रखने के बाद भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे कुछ मसाले। तो थोड़ा सा कलर के लिए हम डालेंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें ना तो ना डालें। उसके बाद यहाँ पे 1/2 चम्मच डालेंगे हम अमचूर पाउडर, और 1/2 चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है जो गरम मसाला होता है ना वो, और 1/2 चम्मच यहाँ पे लिया है मैंने लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि ये जो रेसिपी है ना ये खट्टी मीठी बनती है हल्की सी। और यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे 1.5 चम्मच मैं डालूँगी चीनी, क्योंकि ये रेसिपी है ना हल्की सी खट्टी मीठी तीखी, इसमें सारे फ्लेवर होते हैं। तो सारे मसाले लेने के बाद आपको इनको ड्राई पीसना है, पानी वगैरह या तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। मैं फिर से बता देती हूँ, पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। बिना पानी के आपको इसको ना हल्का सा दरदरा सा पीस लेना है, बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं, हल्का सा दरदरा होना चाहिए। तो ये मसाला मेरा है ना पीस के हो गया है रेडी। तो इसके बाद है ना इसको हम कर लेंगे एक बॉल के अंदर ट्रांसफ़र, और अब हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये मसाला है ना 4 लोइयों के अंदर आ जाएगा, यानी 4 लोई का ही मसाला है। मेरा मसाला और आटा दोनों परफेक्ट बने थे, कुछ भी इसमें से एक्स्ट्रा बचा नहीं था। और यहाँ पे 10 मिनट बाद आटा भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, तो इसको एक बार ना फिर से हम अपने हाथ से अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चीनी ली है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और इसको मिक्स करके हम साइड में रख देंगे। इसका क्या यूज़ होगा वो आगे चल के आपको वीडियो में पता पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आटा था इसकी यहाँ पर हम इक्वल मात्रा में ना लोई काट लेंगे, यानी जो पेड़े होते हैं ना वो बना लेंगे। तो इक्वली लेना है, कोई कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बस यहाँ पे जितनी मेरी लोई थी ना उतना ही मसाला था, बिल्कुल परफेक्ट दोनों चीज़ें बनी हुई थी, अंदाजे से मैंने बनाई थी। और आज बोलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है क्योंकि 2 दिन बाद ये वीडियो की वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। शुक्रवार की वीडियो थी ये और आज शायद संडे हो रहा है या सोमवार, ध्यान नहीं है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो यहाँ पर अब हम जैसे रोटी बनाते हैं ना या पराठा बनाते हैं उस तरह से ना हम इसको बेल लेंगे,
और बहुत ज़्यादा आपको मोटी नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना या फिर पराठा बेलते हैं, बस उसी तरह से बना लेना है, पर बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हो ना कि मैं किस तरह से इसको बेल रही हूँ, बस इसी तरह से आपको भी ना बेल लेना है। उसके बाद चेक कर लेना है कि कहीं से मोटा कहीं से पतला ना हो, किनारियाँ भी इसकी एकदम इक्वल होनी चाहिए, मोटी पतली नहीं होनी चाहिए। तो इसको मैंने अच्छे से बेल लिया और जो चीनी का घोल बना के रखा था ना, चीनी पानी का, उसको आपको अच्छे से यहाँ पे फैला लेना है। जैसे कि हम पराठे में घी लगाते हैं या मोयन लगाते हैं ना, बस उसी तरह से चीनी पानी को फैला लेना है। और जो मसाला हमने बनाया था ना, उसको हम इसके ऊपर है ना स्प्रिंकल कर देंगे, यानी कि फैला देंगे, जैसे मैं फैला रही हूँ। और पूरे पराठे पे ना अच्छी तरह से आपको मसाला लगाना है, काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा सा लगाना है। और चीनी पानी से क्या होता है कि वो आपके मसाले को ना चिपका लेता है, आपका मसाला फैलता नहीं है और बहुत अच्छे से ना ये एकदम चिपक जाएगा आपस में। अगर आपके पास चीनी पानी नहीं है, नहीं बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे गुड़ और इमली की चटनी भी ले सकते हो, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो आप बस मैंने इसी तरह से किया, क्योंकि जब कुछ ना हो ना तैयारी रेसिपी की, तो आप इस तरह से भी बना सकते हो जैसे मैंने बनाई है। तो यहाँ पे चीनी पानी को ना मैंने थोड़ा साइड में लगा दिया, ताकि जो अब इसको ना हम पलटेंगे ना, वो अच्छी तरह से चिपक जाए। और बस इसमें जो भी प्रोसेस है ना, वो इसको पलटने की ही है। अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से या फिर टाइट तरीके से नहीं पलटोगे ना, तो इसके अंदर गैप आ जाएगा, और जब आप इसको कढ़ाई में तलने जाओगे ना, तो आपकी पूरी भाकरवाड़ी है ना वो खुल जाएगी और मसाला भी पूरा कढ़ाई के अंदर आ जाएगा। तो मेन है इसको पलटना, मुझसे भी एकदम प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो ढीला हो ही जाता है ना चाह के भी। हालांकि मैं कोशिश बहुत करती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो मेरा भी ख़राब हो ही जाता है। और लास्ट में ना यहाँ पे आपको फिर से पानी और चीनी का पानी है ना वो लगा देना है, ताकि ये रोल ना अच्छी तरह से आपस में चिपक जाए। तो यहाँ पे रोल हो चुका है, थोड़ा सा इसको फैला के और ढीला कर लेंगे। और यहाँ पे मेरा भी जो रोल है ना, ये हल्का सा ढीला हो गया था, तो इसको मैं फिर से ना व्यवस्थित कर रही हूँ, ताकि मेरी जो भाकरवाड़ी है ना वो खुल ना जाए। लेकिन मेरी खुली नहीं थी, थोड़ा बहुत मसाला मेरा कढ़ाई में फैल जाता है, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खुल जाती हैं। पहली वाली थोड़ी सी खुली थी, बाकी की तो मेरी एकदम परफेक्ट बन गई थी। लेकिन प्रोसेस यही है जो मैं आपको करके अभी दिखा रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है रेसिपी को बनाने में, और थोड़ा सा कहते हैं झीणा काम है, तो बस वही झीणा काम है ये। और उसके बाद है ना आपको इसको कट करना है, आप जैसे चाहें वैसे कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह से कट कर रही हूँ, और इसकी कटिंग की जो साइज़ है ना वो इतनी ही होनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा काटोगे तो भी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे इसको इस तरह से आपको कट कर लेना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। उसके बाद इसकी एक और तरीका है, देखो ये हल्की सी ढीली हो गई है ना, तो ये ढीली नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरी भी ढीली हो गई थी। तो इसका ना मैंने कोशिश करी कि मैं इसको सही करके फिर से बनाऊं, लेकिन ये ना अगर मैं सही करने जाती ना, तो पूरी की पूरी है ना कढ़ाई के अंदर ही खुल जाती। तो उसको मैंने साइड में कर दिया, ताकि मेरा मसाला है ना कढ़ाई के अंदर ख़राब ना हो जाए। और जो चीज़ ख़राब भी हुई ना, वो भी मैंने आपको दिखाई है, ताकि ये गलती आपसे ना हो जाए। उसके बाद बस वो एक मेरी लेयर खुल गई थी, बाकी तो सब ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा ना उंगली से दबा दिया है, और आपको भी ऐसे ही दबाना है, तो इसका शेप बहुत अच्छा आता है, और ये कढ़ाई में जाकर है ना खुलती भी नहीं है। तो हल्का सा आपको इसको उंगली से दबा देना है, और इसका शेप है ना थोड़ा सा लंबा चौरस हो जाएगा, ऐसा शेप देना है। तो चलिए इसको ना मैं दबा लेती हूँ, उसके बाद है ना फिर हम रखेंगे। यानी मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है, हल्का सा गर्म हो चुका है, तो बस तेल गरम हो चुका है। तो मैं आपको है ना ये फ्राई करके भी दिखाती हूँ कि इनको किस तरह से सेकना होता है। तो बस ये जो शेप है ना भाकरवाड़ी का, यही शेप होता है, आपको हल्का सा उंगली से इसको दबाना भी होता है। तो यहाँ तेल को चेक किया मैंने, आटे की गोली एकदम से ऊपर आ गई है, इसका मतलब हमारा तेल है ना वो गर्म हो चुका है। तो जितनी भाकरवाड़ी मैंने बनाई थी ना, मैंने दो पूड़ी की बना ली थी, तो वो सारी यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी। और इनको ना डालने के साथ ही आपको चलाना नहीं होता है, भाकरवाड़ी अपने आप उठ के ना तेल में ऊपर आ जाएगी। और इसका जो कलर है ना सेकने का, यही होना चाहिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे डार्क अगर आप कर दोगे ना, तो ये बिल्कुल भी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। हल्की सी जब भाकरवाड़ी तेल में ऊपर आने लगे ना, तो इसको चला के आपको दोनों साइड से फ्राई कर लेना है, और बस ये ना एकदम परफेक्ट सिक जाएंगी। और आपने देखा कि मेरा मसाला भी बहुत ज़्यादा तेल के अंदर नहीं निकला है, वरना कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि पूरी कढ़ाई मसाले से भर जाती है और आपका पूरा तेल ख़राब हो जाता है।
लेकिन पहली बार में थोड़ी सी लेयर ख़राब हुई थी, लेकिन बाकी आप सब देख ही रहे हैं कि सेकने में बिल्कुल भी लेयर ख़राब नहीं है। और इसी तरह से भाकरवाड़ी का कलर होना चाहिए सीखने के दौरान, इससे ज़्यादा आपको है ना इसको कड़क या फिर है ना ब्लैक नहीं करनी है। देखिए मेरी सारी भाकरवाड़ी है ना वो बनके हो गई रेडी और एक भी मेरी खराब नहीं हुई है। थोड़ा बहुत मसाला है ना वो हमेशा मुझसे निकलता ही है, और जो परफेक्ट गुजराती लोग बनाते हैं ना उनके में तो पता है तेल भी खराब नहीं होता, वो लोग इस तरह से बनाते हैं। तो अभी है ना ये गर्म है तो इनको रात भर में ठंडी होने के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद ना सुबह मैं इनको कंटेनर में रखूंगी। और ये इतनी क्रिस्पी है ना, बहुत ही अच्छी बनी, देखो आवाज सुनाओ। इसको तोड़ूंगी तो टूट जाएगी लेकिन खराब हो जाएगा, लेकिन चलो आपको दिखाई देती हूँ। देखो टूट गई, बहुत ही एकदम क्रिस्पी सॉफ्ट बनी है ना, बहुत अच्छी। तो इनको ना मैं अभी यहीं ढक के रख दूंगी और ताकि ये ना रात भर में अच्छे से ठंडी हो जाए, क्योंकि इनको अगर गरम गरम भर दिया ना कंटेनर में तो स्मेल आ जाएगी और खराब हो जाएंगी। तो बस मेरा सारा काम हो चुका, कढ़ाई मैंने छोड़ दी है क्योंकि वो भी गर्म है, सारे बर्तन धो के मैंने यहाँ रख दिए और मैं थक चुकी हूँ। बताऊँ आपको टाइम कितना हुआ है, एक सेकेंड ना क्या खोलूँ, हाँ लाइट खोलती हूँ। यस तो बताऊँ रेसिपी बनाते बनाते रात के बज गए हैं 11:15, और रेसिपी बनाते बनाते है ना मैंने मोलू आरू दोनों को सुला दिया, दोनों सो रहे हैं। तो देखो मैं उसको ना लिटा गई थी, मैंने कहा बेटा तू थोड़ी देर लेट, मैं अभी आती हूँ, वो मेरे बिना सोता नहीं है और फिर उसकी तबीयत भी खराब थी, तो दवाई वगैरह दे दी उसको, पास आके थोड़ी देर में लेट गई ना तो वो सो गया। फिर मेरी रेसिपी अधूरी थी तो वो मैंने बनाई, और मेरी भी है ना तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, खास नहीं है, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन ये है कि दवाई खा ली ना तो कुछ ज्यादा फील नहीं हो रहा है, पर मैं सोऊंगी और सुबह उठूंगी ना तब मेरी बैंड बजने वाली है। अभी तो क्या है कि मैं काम कर रही हूँ ना, तो आप चाहे मुझसे पूरी रात काम करवा लो मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर सो गई फिर सोने के बाद में उठी तो मेरी बैंड बजने वाली है। तो रोज बच्चे गुड नाइट बोलते हैं, आज मेरे बच्चे सो गए, मैं अकेली हूँ, अभी जाऊंगी कपड़े चेंज करने, लेकिन अभी ना थोड़ी देर पसीना सुखा रही, पूरी भीग गई हूँ मैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करना, बहुत अच्छी बनी थी। जैसे पूछते हैं कैसी लगी तुमको खाने में, अच्छी लगी थी, मैंने पहली बार खाई थी। पहली बार खाई ना, गुजरात में खाई है लेकिन तुमको आइडिया नहीं है, नमकीन के साथ में होती है ये, क्या नमकीन के साथ में होती है ना, तो एक दो हम लोग क्या करते थे, जो नमकीन के पैकेट आते थे ना हमारे वहाँ पे, यानी हलवाई की दुकान से आते थे बंधे हुए पैकेट पिन किए हुए, तो उसमें से ना ढूंढ ढूंढ के भाकरवाड़ी खाते थे। और स्पेशली मेरी बीच वाली बहन, उसको तो इतनी पसंद थी ना, पता है क्या बोलती थी मेरे लिए ना, केवल भाकरवाड़ी लाया करो, बाकी मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता, तो उसको बहुत पसंद है ये। आज बना रही थी ना तो मुझे मेरी उस बहन की याद आई, और देखो कहाँ पर पैंट डाल रखा है इनने। तो चलिए आज के लिए तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, अगर ये वीडियो लंबी हुई तो यहीं पर एंड हो जाएगा, और अगर नहीं हुई तो फिर मैं ना वीडियो को कल मॉर्निंग में एंड करूंगी। तो अभी के लिए तो करती हूँ गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम, और अगर वीडियो लंबी नहीं तो कल मिलते हैं, नहीं तो फिर बाय। और हाँ, अगर रेसिपी अच्छी लगी ना तो लाइक करना, आज बहुत तबीयत खराब थी फिर भी आप लोगों के इतने कॉमेंट आए थे ना, इसकी वजह से मैंने आज ये रेसिपी बनाई कि नहीं नहीं चलो ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, अगर आप लोग डिमांड कर रहे हो ना तो उसको मैं पूरी कर देती हूँ। तो चलिए लाइक जरूर देना भाई, बहुत मेहनत की है, 11:30 बज गए काम करते करते, चक्कर से आ रहे हैं मुझे, क्योंकि दवाई खाइए ना तो उसका हो जाता है ना नशा सा हो जाता है, वो मुझे हो रहा है। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट।